बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ता दौलत लेकर इस घर में आ जाता है जो आज 23 रमज़ान शब्बे कदर की रात ये दो नवाफिल पढ़ता है। ये नमाज सबसे अफजल है, हज़ारों साल की इबादत का सवाब मिलता है। जो आज 23 रमज़ान शब्बे कदर की रात ये नमाज पढ़ता है, रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब्बे कदर कहलाती है। बहुत ही कदर व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इसी रात को अल्लाह ताला ने हज़ारों महीनों से अफजल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुकद्दस रात अल्लाह ताला ने फ़कत मेरी उम्मत को अता फरमाई है, साबका उम्मतों में से ये शर्फ़ किसी को भी नहीं मिला। शबे कदर को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में ज़मीन पर उतर आते हैं और हर शख्स के लिए दुआ मगफरत में ज़मीन पर उतर आते हैं और हर शख्स के लिए जो खड़े बैठे यानी किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो, ना सिर्फ इसे हज़ारों इबादतों के बराबर सवाब मिलेगा बल्कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इसके घर को रिस्क से दौलत से भर देंगे। क्योंकि इस रात जो जो बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा, इबादत में मशगूल होगा, तो अल्लाह पाक के फरिश्ते इसकी ज़रूरियात को, हाजत को पूरा करने में लगे होंगे। हर फरिश्ते की अपनी अपनी ड्यूटी होगी, तो जो रिस्क के लिए, दौलत के लिए अल्लाह से दुआ करेगा, हाथ उठाएगा, तो अल्लाह इसके घर को दौलत से भर देगा। जो बीमार अपनी सेहत शादी के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह पाक इसके जिस्म को बीमारियों से पाक कर देगा। जो मुसीबत ज़्यादा किसी मुसीबत से निजात के लिए, किसी मुश्किल से निजात के लिए दुआ मांगेगा, तो अल्लाह पाक इससे वो मुश्किल मुसीबत इंशाल्लाह दूर कर देगा। तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की ये ताक रातें जो हैं, इनको आपने जाकर गुजारना है। आज 23 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल कदर की रात है। हो सकता है कि ये शबे कदर की रात हो, क्योंकि शबे कदर की रात को अल्लाह पाक ने मख़फ़ी रखा है, पोशीदा रखा है। ये रमज़ान की जो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27, 29, इन रातों में से एक रात शबे कदर की है। तो ये बंदों का एक इम्तिहान है कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो इन रातों में अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो आज रात आपने पूरे दिल से, इखलास से ये दो नवाफिल पढ़ने हैं। ये वो नवाफिल हैं जो आपको बैठे बैठाए मालदार कर देंगे, आपको बैठे बैठाए सेहत याब कर देंगे, आपको हर मुश्किल से निकाल देंगे, आपकी हर दिली तमन्ना पूरी कर देंगे, वो तमन्ना जो बरसों से पूरी नहीं हुई। आपने दो रकत नमाज नवाफिल इस तरह पढ़ने हैं, अपने मकसद को, अपनी नीयत को अपने जहन में रखना है, फिर पूरे दिल से आपने इन नवाफिल को पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ दो रकत नवाफिल आपने पढ़नी है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। यानी आपने इन दो नवाफिल में 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास वो सूरत है जब बंदा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह पाक इसे हज़ार बार रहमत भरी निगाह से देखता है। तो सोचिए, अगर आप 100 बार ये सूरत इन दो नवाफिल में पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपको कितनी बार नज़र रहमत से देखेंगे, आपकी कितनी हाजात पूरी करेंगे, और इन दो नवाफिल में आप 7000 कुरान ख़त्म कर देंगे। कुरान पाक पढ़े बगैर 7000 कुरान आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जो ये दो नवाफिल आज रात पढ़ेगा। अल्लाह पाक अपने इस बंदे को क़यामत तक अपनी रहमतों से, बरकतों से नवाजेगा। सूरह इखलास जो पढ़ता है, इसके लिए 300 रिस्क के दरवाजे अल्लाह पाक खोल देता है, जो कि हज़ार महीनों से अफजल रात है। इन नवाफिल और सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह पाक आपकी किस्मत को, आपकी तकदीर को बदल देंगे, आपकी किस्मत के लिखे मिटा देंगे इंशाल्लाह। तो आज रात आप ये दो नवाफिल लाजमी पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकअल्लाह।